हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 15 अगस्त तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। ध्यान समझते हुए चलिएगा, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई और ये घोषणाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है 15 अगस्त मुख्यमंत्री की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अब ये घोषणाएं क्या क्या थी उसे ध्यान दीजिए। पहले नंबर पर है आपके 4 नए जिलों का सृजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 4 नए जिलों के गठन यानी कि सृजन किए जाने की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2021 को। देखिए, अभी तक हमारे प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या है आपकी 28। ठीक है, हमारे प्रदेश का 28वां यानी कि नवनिर्मित जिला है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, जिसका सृजन हुआ 10 फरवरी 2020 को यानी कि पिछले साल 10 फरवरी 2020 को गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया। अब जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया कि प्रदेश में 4 नए जिलों का सृजन किया जाएगा। अगर ये 4 नए जिले सृजित हुए यानी कि 4 नए जिलों का गठन हुआ तो प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 28 + 4 यानी कि 32, 32। ठीक है, अगर ये 4 नए जिलों का गठन हुआ तो, वैसे तो गठन होगा, घोषणा कर दी गई है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 28। अभी केवल घोषणा हुआ है, ये गठित नहीं हुआ है, ये जिले अस्तित्व में आए नहीं है, केवल घोषणा मात्र हुआ है। अभी प्रोसेस होने में लगभग 6-7 महीना 8 महीने का समय लगेगा। केवल घोषणा किया गया है कि ये नए जिलों का गठन किया जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अभी हाल फिलहाल में अगर कोई एग्जाम होते हैं, जैसे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का आपका एग्जाम हो रहा है या कोई अदर एग्जाम अगर कंडक्ट होते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कथन आधारित प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आपके नए 4 नए जिले के गठन किए जाने की घोषणा 15 अगस्त 2021 को किया गया, या फिर डायरेक्ट सिंगल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 4 नए जिलों का गठन किए जाने की घोषणा किस डेट में की गई, तो 15 अगस्त 2021। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का गठन कब हुआ, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही का गठन हुआ आपके 10 फरवरी 2020 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब ये 4 नए जिले कौन कौन से हैं, इसे ध्यान समझिएगा। एक है आपके मनेंद्रगढ़, दूसरा है आपका शक्ति, तीसरा है सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा है आपका मोहिला मानपुर। कौन कौन सा, मनेंद्रगढ़, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा है आपका मोहिला मानपुर। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि जो आपके जिले बनाए जा रहे हैं, इन जिलों का आपका गठन या इन जिलों का निर्माण किस जिले से पृथक करके ये जिले बनाए जा रहे हैं, यानी कि इनके मातृ जिला कौन है। तो देखिए, ये जो मनेंद्रगढ़ है, मनेंद्रगढ़ वर्तमान में है आपके कोरिया जिले का एक हिस्सा है आपका मनेंद्रगढ़, तो इस कोरिया जिले से पृथक करके मनेंद्रगढ़ को एक नया जिला बनाया जाएगा। मनेंद्रगढ़, अगर आपको याद होगा तो मनेंद्रगढ़ यहीं पर मौजूद है हमारे प्रदेश का एकमात्र मैरीन फॉसिल पार्क, यानी कि समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं आपके मनेंद्रगढ़ में ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़े से करंट अफेयर के टॉपिक ऐड करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, तो जो मनेंद्रगढ़ है, ये मनेंद्रगढ़ वर्तमान में किसका हिस्सा है, कोरिया जिले का, तो कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ को पृथक करके एक नया जिला बनाया जाएगा। सेकंड नंबर पर है शक्ति, शक्ति जो कि वर्तमान में आपका हिस्सा है जांजगीर चांपा का, इस जांजगीर चांपा से शक्ति को पृथक करके एक नया जिला बनाया जाएगा। शक्ति जो कि हमारे प्रदेश के 14 देशी रियासतों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देशी रियासत था आपका शक्ति। ठीक है, हमारे प्रदेश में टोटल आपके 14 देशी रियासत थे, इन 14 देशी रियासतों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देशी रियासत था आपका शक्ति, जो वर्तमान में आपका हिस्सा है जांजगीर चांपा का, और इस जांजगीर चांपा से पृथक करके शक्ति को एक नया जिला बनाया जाएगा। तीसरे नंबर पर है सारंगढ़ बिलाईगढ़, यहां पे ध्यान देना, ये जो सारंगढ़ है ये वर्तमान में आपका हिस्सा है रायगढ़ का, जबकि बिलाईगढ़ जो है ये वर्तमान में हिस्सा है बलौदाबाजार का। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दो अलग अलग जिले हैं, सारंगढ़ रायगढ़ का हिस्सा है जबकि बिलाईगढ़ बलौदाबाजार का हिस्सा है, तो ध्यान देना है कि जो आपके रायगढ़ जिले के सारंगढ़ को और आपके बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ दोनों को मिला करके एक नए जिले का सृजन किया जाएगा।
ठीक है, कौन सा हिस्सा कहाँ का है इसको थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा। चौथे नंबर पर है मोहिला मानपुर, मोहिला मानपुर जो कि राजनांदगांव जिले की नीचे तरफ का हिस्सा है, मोहिला मानपुर वाला ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये दंडकारण्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, पूरा का पूरा राजनांदगांव जो है, राजनांदगांव का मैक्सिमम पोर्शन छत्तीसगढ़ के मैदान वाले में आता है, लेकिन नीचे का जो मोहिला मानपुर है ये दंडकारण्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आपका मोहिला मानपुर। मोहिला मानपुर को जो है आपके एक नए जिले का गठन किया जाएगा, ये मोहिला मानपुर किससे पृथक करके, राजनांदगांव जिले से। ठीक है, अभी ये इसमें एक और अपडेट आया है कि जो नया जिला बनेगा मोहिला मानपुर, इसका नाम मोहिला मानपुर न रख करके मोहिला मानपुर चौकी रखा जाएगा। इसके नाम को लेकर के ही जो घोषणा के पश्चात इसके नाम को लेकर के ही विवाद होने लग गया था, जो कांग्रेस के विधायक है वही विवाद करने लग गए थे कि इसका नाम जो है मोहिला मानपुर न रख करके मोहिला मानपुर चौकी रखा जाए। ठीक है, वहां पर चौकी भी एक जगह है, शायद ये आपका अंबागढ़ चौकी है, अभी पूरी तरीके से चीजें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इसका जो नाम है इसका नाम क्या रखा जाएगा ये कंफर्म है आपका मोहिला मानपुर चौकी। ठीक है, तो उसको पूरा ऐड कीजिएगा, मोहिला मानपुर चौकी, ठीक यहीं पे लिख लीजिएगा, मोहिला मानपुर चौकी नाम रखा जाएगा इस नए जिले का, जो कि राजनांदगांव जिले से पृथक करके एक नया जिला बनाया जाएगा। अब देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आपका घोषणा किया गया कि 18 नए तहसीलों का सृजन किया जाएगा। अगर आप अलग अलग न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो किसी में 25 बताया गया है तो किसी में 18 बताया गया है, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, टोटल 25 जो आपके प्लेस है, 25 जो स्थान है, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है कि उन्हें तहसील बनाया जाएगा। उन 25 में से 18 को सेलेक्ट करके तहसील का दर्जा दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट हुए टोटल आपके 25, उन 25 में से 18 को उठा करके नया तहसील बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 25 नए तहसील बनेंगे, 25 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन 25 में से 18 को जो है तहसील बनाया जाएगा। ठीक है, 18 नए तहसीलों का सृजन किया जाएगा। उसके अलावा स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा की गई है। अब ये स्वामित्व योजना क्या है समझिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनकी काबिज जमीन पर हक देना। जैसे कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, यानी कि जो आवास वितरण किया जाता है, वो वितरण किया जाता है आपके पट्टा के माध्यम से, 30 साल का पट्टा वितरित किया जाता है, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि, ठीक है यहां पर ध्यान देना, आबादी भूमि, ये जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों के काबिज भूमि, यानी कि जिस जमीन पे उन्होंने कब्जा करके रखा है, उन पर जो है उनकी जमीन पर उन्हें हक दिया जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शहरी क्षेत्र में सेम कॉन्सेप्ट पे दिया जाता है आपका पट्टा, 30 साल का पट्टा, तो उसी कॉन्सेप्ट पे लाया जा रहा है आपका स्वामित्व योजना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए ये स्वामित्व योजना है ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न पूछा जाएगा स्वामित्व योजना का विस्तार किस क्षेत्र में है, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, तो कहां पर इसका विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका लाया जा रहा है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है श्री धनवंतरी योजना, श्री धनवंतरी जो है ध्यान दीजिएगा, ये मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना को अब जो है श्री धनवंतरी योजना के नाम से जाना जाएगा, जो कि आपके सस्ती यानी कि रियायती दरों पे उचित मूल्य पर दवाई वितरित किए जाने के लिए आपकी ये योजना लाया गया। वैसे तो ये योजना हमारे प्रदेश में पहले से ही लागू है, मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना के नाम से, इसे जो है अब श्री धनवंतरी योजना के नाम से जो है इसे जाना जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये योजना जो है ये नगरीय क्षेत्रों में लागू होगा। ठीक है, किस क्षेत्र में लागू हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, तो ये जो श्री धनवंतरी योजना जो है ये नगरीय क्षेत्र में लागू होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा, केवल ऊपर चीजों को नहीं पढ़ना, थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्री धनवंतरी योजना का विस्तार किस क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, तो ये कहां पर है, नगरीय क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में है। उसके बाद नेक्स्ट है मिनी माता उद्यान, मिनी माता जो कि हमारे प्रदेश यानी कि इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र की पहली महिला सांसद थी, उनके नाम पर बनाए जाएंगे आपके उद्यान, जो कि केवल महिलाओं के लिए होंगे, और इन उद्यानों की स्थापना जिला मुख्यालय और नगर निगम में की जाएगी। हमारे प्रदेश में टोटल 28 जिले हैं, तो यानी कि 28 जिला मुख्यालय और टोटल वर्तमान में आपके 14 नगर निगम है, तो 14 नगर निगमों में आपके मिनी माता उद्यान बनाए जाएंगे और ये उद्यान केवल महिलाओं के लिए होंगे। ठीक, इसके साथ साथ महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर में आयु सीमा बाध्य नहीं होगी, यानी कि जो हायर एजुकेशन था, जो उच्च शिक्षा था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आयु सीमा, एज लिमिटेशन हुआ करता था, तो एज लिमिटेशन की बाध्यता को
हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे घोषणाओं को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देव बलोदा शिव मंदिर। देव बलोदा जो कि आपके भिलाई चरोदा में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि आपके नवरंग मंडप नागर शैली में निर्मित एक शिव मंदिर है, जिसके गर्भगृह में एक शिवलिंग मौजूद है। इसका जो निर्माण है 13वीं सदी में कलचुरी कालीन शासकों के काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहां है यह मौजूद है? आपके भिलाई चरोदा में। यहां पर एक कुंड मौजूद है, ऐसा कहा जाता है इस कुंड के भीतर एक गुप्त रास्ता है, और यह गुप्त रास्ता इसका जो दूसरा छोर है यह खुलता है आपके आरंग में, रायपुर जिले के आरंग में एक तालाब में जाकर के इस कुंड का दूसरा रास्ता खुलता है, ठीक है। ऐसा यहां पर एक कुंड मौजूद है जिसमें माना जाता है कि उस कुंड के भीतर एक गुप्त रास्ता है, और इस गुप्त रास्ता का दूसरा छोर कहां है? आरंग के एक तालाब में, ठीक। ये जो विशेष बात क्या है कि देव बलोदा चरोदा में जो आपका मंदिर है, जो शिव मंदिर है, ये अधूरा है, पूरी तरीके से बना नहीं है। इस मंदिर के ऊपर गुंबद यानी कि शिखर मौजूद नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक शिल्पी जो इसके निर्माण कार्य में लगा हुआ था, वो उसने इस मंदिर का निर्माण करने के दौरान बीच में ही आत्महत्या कर लिया। अब आत्महत्या करने का भी एक थोड़ा सा अलग तरीके का किंवदंती यहां पे प्रचलित है, उसको तो यहां पे डिस्कस करूंगा नहीं, लेकिन बस याद रखिएगा कि शिल्पी ने इसके निर्माण कार्य के समय जो है बीच में ही आत्महत्या कर लिया, जिसके कारण ये मंदिर का जो निर्माण है ये अधूरा रह गया। अगर इसका पूरा डिटेल में स्टोरी जानना है, थोड़ा सा अटपटा सा स्टोरी है, डिटेल में स्टोरी जानना है, तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल में ऊपर सर्च बॉक्स में जाकर के देव बलोदा शिव मंदिर सर्च करेंगे तो उसका पूरा आर्टिकल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है महासमुंद जिले का पहला शैलचित्र। अभी हाल फिलहाल में महासमुंद जिले का पहला चित्रित शैलाश्रय मिला है। अभी मिला कहां पर है? ये मिला है आपके महादेव पठार मोहदी ग्राम बागबारा तहसील के अंतर्गत आता है आपका यह मोहदी ग्राम महासमुंद। महासमुंद जिले के बागबारा तहसील के अंतर्गत मोहदी ग्राम में एक पठार मौजूद है जिसका नाम है महादेव पठार, जहां पर मिला है पहला चित्रित शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब यहां पर जो है पाषाणकालीन मानव यानी कि आदि मानव जो है गुफाओं में रहा करते थे, और गुफा के अंदर बने हुए हैं आपके चित्र। शैलाश्रय शैल के अंदर आश्रय यानी कि शैल के अंदर निवास करते समय, ठीक है। तो शैल के अंदर निवास करने वाले मानव जो कि शैल में क्या बना के रखे हैं? चित्र बना के रखे हैं। यहां पर साक्ष्य में क्या क्या मिले हुए? नृत्य करते मानव समूह, ठीक है। यहां पर जो है मानवों का कुछ समूह है जो नृत्य करती हुई मुद्रा में खड़े हुए हैं या चित्रित यहां पे उकेरे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वानर यानी कि बंदर, सूर्य, चंद्रमा एवं अनेक ज्यामिति आकृतियां यहां पर मौजूद है जो कि गेरवे रंग में चित्रित है। देखिए ये जो गेरुआ रंग लाल कलर का ही होता है, थोड़ा डार्क कलर में रहता है, उसे कहा जाता है आपके गेरुए रंग। तो गेरुए रंग में क्या क्या यहाँ पे निर्मित है? नृत्य करते हुए मानव समूह, वानर, सूर्य, चंद्रमा एवं अनेक ज्यामिति आकृतियां यहां पर बनी हुई है। कहां पर? आपके इस महादेव पठार में। ध्यान दीजिएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है कि जो शैल चित्र है ये मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र है, ठीक है। यहां पर जो आपके चित्र बने हुए हैं ये मध्य पाषाणकालीन है। देखिए पाषाण काल को आपको तीन पार्ट में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पाषाण मतलब होता है आपके पत्थरों का काल। आदि मानव थे उनकी जीवन शैली पूरी आपके पत्थरों पर आधारित थी, ठीक है। तो उस काल को कहा जाता है आपका पाषाण काल। तो आपके पाषाण काल को तीन पार्ट में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक और ऐड किया जाता है नवपाषाण काल, ठीक है। तो उसमें से है आपका ये जो शैलचित्र मिले हैं ये मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र है। इसे ध्यान दीजिएगा, रॉक पेंटेड शेल्टर, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये कोई नया चीज नहीं है, ये इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया गया है, रॉक पेंटेड शेल्टर। रॉक मतलब चट्टान या पत्थर या शैल, पेंटेड मतलब चित्र, शेल्टर मतलब आश्रय, ठीक है। पीएससी जो है इतना बदमाश है, वो कई बार क्या करता है कि हिंदी में ना पूछ के उसको इंग्लिश में पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, रॉक पेंटेड शेल्टर, रॉक मतलब शैल, पेंटेड मतलब चित्र, और शेल्टर मतलब आश्रय। तो कोई नया चीज नहीं है, उसी का जो आपका हिंदी है उसको इंग्लिश में कर दिया है, इसलिए आपको लिख के बता रहा हूं कि आपके महासमुंद जिले का पहला रॉक पेंटेड शेल्टर कहां मिला है? ये मिला है आपके महासमुंद जिले के महादेव पठार मोहदी ग्राम बागबारा तहसील के अंतर्गत, ठीक है। इसको देख करके कुछ नया चीज समझना नहीं। इसके खोजकर्ता कौन है? ध्यान समझिएगा, इसके मुख्य जो आपके पुरातात्विक वेत्ता है उनका नाम है पीसी पारक, ठीक है। डॉक्टर पीसी पारक के नेतृत्व में परिवेक्षक थे आपके प्रभात कुमार सिंह, जबकि आपके उत्खनन कार्य करने वाले थे प्रवीण तिर्की,
ठीक है, तीनों में से किसी का भी नाम आया आपको टिक करना है, तीनों का नाम याद रखना है, जिसमें मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, मुख्य पुरातात्विक विद कौन थे, वो थे आपके इनके नेतृत्व में डॉक्टर पीसी पारक के नेतृत्व में हुआ, जबकि पर्यवेक्षक कौन थे, प्रभात कुमार सिंह और प्रवीण कीर्ति जो कि उत्खनन कार्य या उत्खनन सहायक थे। इसके साथ साथ एक और नाम याद रखना है, विजय शर्मा। देखिए एक्चुअली क्या है, विजय शर्मा जो कि एक शिक्षक है, राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत एक शिक्षक है, वो अपनी एक पुस्तक की एक प्रति लेकर के डॉक्टर पारक के पास गए थे और उन्होंने वहां पर चर्चा किया था कि महासमुंद जिले के इस महादेव पठार वाले क्षेत्र में एक किला है, ठीक है, एक किले के दरवाजा होने की उन्होंने बात की थी, जिसके पश्चात डॉक्टर पीसी पारक और उनकी टीम ने जाकर के वहां पर सर्वे किया, जिसके बाद पता चला कि यहां पे कोई किले के साक्ष्य नहीं, यहां पर मौजूद है एक शैलाश्रय, चित्रित शैलाश्रय, पेंटेड रॉक पेंटेड शेल्टर मौजूद है आपके पाषाणकालीन, कौन से काल का, मध्य पाषाणकालीन। तो सब नाम को आपको याद रखना है, स्पेशली याद रखना है डॉक्टर पीसी पारक जिनके नेतृत्व में यहां पर सर्वे किया गया। विशेष बात क्या है, यह महासमुंद जिले का पहला चित्रित शैलाश्रय है, महासमुंद जिले का पहला चित्रित शैलाश्रय। देखिए यहां पे क्या है, ये पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय के पहली बार एविडेंस मिले हैं, जबकि आपके अगर आप देखेंगे तो महासमुंद जिले में एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल सिरपुर भी मौजूद है, इसके साथ-साथ यहां पर महापाषाणिक स्थल बरतिया भाटा भी मौजूद है, लेकिन ये क्या है, चित्रित शैलाश्रय है, ठीक है, चित्रित शैलाश्रय के यहां पर एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 10,000 वर्ष से अधिक पुराना शैल चित्र आदि मानव काल का, यह मिला है आपका कुनमेरा मूड़ापारा ग्राम, ठीक है, कुनमेरा मूड़ापारा ग्राम जो आता है आपके सीतापुर तहसील के अंतर्गत सरगुजा जिले में, सरगुजा जिले के सीतापुर तहसील के अंतर्गत कुनमेरा मूड़ापारा ग्राम में 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराने शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, शैल चित्र, ये क्या था, शैलाश्रय था, शैलाश्रय मतलब शैल के अंदर आश्रय करना, यानी कि चट्टानों के कंदराओं में, चट्टानों की दरारों के बीच में जाकर के जो आपके मानव निवास किया करते थे आदि मानव, वो कहलाता है शैलाश्रय। ये क्या है, शैल चित्र है, आपके चट्टानों के ऊपर बने हुए चित्र। तो देखिए ये इस शैल चित्रों में मिले हैं हाथ के पंजे के निशान, मानव हाथ के पंजे के निशान बने हुए हैं, खरगोश का चित्र, कछुआ का चित्र तथा अन्य पशुओं की आकृतियां यहां पे उकेरी गई है, चक्र आदि के यहां पे चित्र का अंकन है। मान्यता, ध्यान समझिएगा, यहां पे जो शैल चित्र मौजूद है, स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण जो है यहां पे एक किंवदंती प्रचलित है कि भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान यहां पर आकर के रुके थे, तो इसी स्थान पर ये जो आपके जो चित्र है, जो चक्र मौजूद है, जो आपके हाथ के पंजे के निशान है, तो स्थानीय स्तर पर इन्हें पूजा जाता है, इसे रामायणकालीन स्थल मान करके ग्रामीण जो है इसे पूजते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कुनमेरा मूड़ापारा ग्राम जहां पे मिले हैं 10,000 साल से अधिक पुराने शैल चित्र, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जुड़वा मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नए नए चीजें जो है अक्सर आपको करंट में देखने के लिए मिलेंगे और ये क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाने का जमाना गया, अब ऐसे नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान समझिएगा। जुड़वा मंदिर, जुड़वा मंदिर कहाँ है, ये मौजूद है आपके देवकर सहसपुर आपके बेमेतरा जिले में, बेमेतरा जिले के सहसपुर के अंतर्गत एक स्थान है देवकर जहां पर मौजूद है जुड़वा मंदिर। ये जो जुड़वा मंदिर है इसका निर्माण 13वीं से 14वीं सदी के आसपास फणी नागवंशी शासकों के द्वारा किया गया था। फणी नागवंशी शासक जिनका शासन क्षेत्र था आपका कबीरधाम या कवर्धा जिला, उसी के साइड में मौजूद है आपका बेमेतरा। तो ये जो आपका बेमेतरा है, बेमेतरा जिले के देवकर सहसपुर के अंतर्गत बनाया गया है आपका जुड़वा मंदिर, जो कि 13वीं से 14वीं सदी के आसपास का फणी नागवंशी शासकों के द्वारा निर्मित एक आपका मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिमा है आपके स्वयंभू शिवलिंग की, यहां पे एक आपका शिवलिंग है, स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब जमीन से प्रकट हुआ, यानी कि जमीन को खोद करके निकाला गया आपका यहां पर शिवलिंग है। किंवदंती यहां पे प्रचलित है, ध्यान समझिएगा, ये जो आपका मंदिर है या ये जो आपका शिवलिंग है, हजारों गैलन पानी चढ़ाने पर भी ये शिवलिंग या ये मंदिर जो है ये डूबा नहीं। एक्चुअली क्या है कि ये जो आपका बेमेतरा में जो देवघर वाला क्षेत्र है, इसमें एक समय में लगभग आपके 80 के दशक के आसपास, 8 दशक पहले कहा जाता है, ठीक है, 80 के दशक नहीं, 8 दशक पहले, 8 दशक पहले जो है इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, पूरा सूखा पड़ गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने क्या किया, ग्रामीण जो है कि ग्रामीण ने क्या किया कि आपके इस मंदिर से लगभग आपके 300 मीटर की दूरी पर यहां पर एक आपका जलाशय यानी कि एक तालाब था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस मंदिर को, ये जो आपका शिवलिंग है, शिवलिंग को पूरे पानी से डुबा, पूरा 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 पानी अर्पण करके इस मंदिर को पूरी तरीके से डुबाने का उन्होंने निर्णय किया। तो पूरा कतारबद्ध तरीके से 300 मीटर लंबा ग्रामीण एकत्र हुए, एक कतार बनाए और उस जलाशय के पानी को ला करके इस शिवलिंग को चढ़ाना चालू किया। तो इसमें हजारों गैलन पानी डाल दिया गया लेकिन यह मंदिर डूबा नहीं, जिस
जिसके बाद स्थानीय स्तर पर इनकी मान्यता बढ़ने लगी और ग्रामीणों को यह पता चल गया कि उनके अहंकार के कारण यह शिवलिंग नहीं डूबा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जुड़वा मंदिर, इस मंदिर को जुड़वा मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर दो मंदिर है, एक मंदिर जिसमें स्वयंभू शिवलिंग है और दूसरा मंदिर ऐसा है जिसमें कोई भी प्रतिमा नहीं थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात ग्रामीणों ने इस खाली मंदिर में एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया। लेकिन ये मंदिर को जो है सेम पैटर्न में दो मंदिर बनाए गए थे, जिसे जुड़वा मंदिर आपका कहा जाता है। एक मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग था और दूसरा मंदिर खाली था। कुछ समय पश्चात ग्रामीणों ने यहां पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष यहां पर आपकी इस जुड़वा मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन मेला भरता है। ठीक, तो जुड़वा मंदिर कहां पर है पूछा जाए, तो जुड़वा मंदिर मौजूद है आपके बेमेतरा जिले में। नेक्स्ट है संवरा जनजाति, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में जब आपका नाग पंचमी मनाया गया तो नाग पंचमी के समय एक आर्टिकल आया था जो कि था आपके संवरा जनजाति के ऊपर। देखिए, ये जो संवरा जनजाति है ये निवास करती है आपके महासमुंद जिले में, महासमुंद जिले और कुछ मात्रा में कोरबा जिले में, लेकिन स्पेशली इनका जो संकेंद्रण है वो है आपके महासमुंद जिले में। ये संवरा जनजाति है, इनकी आजीविका जो है सांपों के ऊपर निर्भर है। ठीक है, ये सपेरे यानी कि सांप पालने वाली जनजाति है संवरा जनजाति। देखिए, इनमें सांपों का एक विशिष्ट महत्व है। अगर जो सांप वो पाल रहे हैं, अगर उन पाले हुए सांप में से किसी एक सांप की मृत्यु हो जाती है तो सांप की मृत्यु में इंसान के मरने के समान ही इनमें करवाया जाता है मुंडन। ठीक है, परिवार के सदस्य अपना मुंडन करवाते हैं और उस सांप के शोक में मृत्यु भोज का भी आयोजन करते हैं, यानी कि गांव वालों को खाना भी खिलाया जाता है, इतना महत्व है सांपों का यहां पर। ठीक है, शादी में वर पक्ष को 21 जहरीले सांप भेंट किए जाते हैं। अगर कोई शादी हो रही है, किसी जोड़े की शादी हो रही है, तो वर पक्ष को जो है दहेज के रूप में 21 जहरीले सांप भेंट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नया जोड़ा जिनका शादी होने वाला है ये 21 जहरीले सांप जो है इनकी आजीविका का माध्यम बनेंगे, इसलिए 21 जहरीले सांप भेंट किए जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः दो सांप होने जरूरी है। कौन कौन से? गहुआ और डोरी। ठीक है, ये सांप की प्रजाति है, ये दो सांप मुख्य रूप से होने जरूरी है इन 21 सांपों में से। अगर किसी कारणवश पर्याप्त मात्रा में यानी कि 21 सांप नहीं मिल पाते तो शादी जो है पोस्टपोन कर दी जाती है, आगे बढ़ा दी जाती है, अगले साल तक के लिए, एक साल के लिए पोस्टपोन कर दी जाती है, जब तक पूरे 21 सांप कलेक्ट नहीं हो जाते, इतना महत्व है इस संवरा जनजाति में सांप को लेकर के। विशेष बात क्या है कि यहां पर जो है सांप को सुरक्षित रखने के लिए काफी कड़े नियम भी बनाए गए हैं इस जनजाति में। तो संवरा जनजाति जिसका संकेंद्रण मुख्य रूप से आपके महासमुंद जिले में है, सांप की आजीविका पर जो है ये आपके यानी कि इनकी आजीविका का मुख्य साधन सांप है। इतना महत्व है सांपों का कि किसी एक सांप की मृत्यु होने पर मुंडन और मृत्यु भोज कराया जाता है, शादी के समय वर पक्ष को 21 जहरीले सांप भेंट किए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः उसमें गहुआ और डोरी सांप, इन दो प्रजाति के सांप का होना जरूरी है। अगर पर्याप्त सांप उपलब्ध ना हो तो शादी जो है पोस्टपोन भी कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सीपिया और झारिया महार समुदाय। अभी हाल फिलहाल में ये सीपिया और झारिया महार समुदाय काफी चर्चा में रहे, उसका कारण क्या था समझिएगा। अभी केंद्र सरकार के द्वारा 127वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा से भी पारित हो गया है, राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, अभी फिलहाल पेंडिंग है। ये विधेयक है, अधिनियम बना नहीं है, लागू हुआ नहीं है, लेकिन लागू हो जाएगा क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया तो लागू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, 127वां संविधान संशोधक विधेयक जो कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, यानी कुछ समुदाय को ऐड किया जाएगा। देखिए, इसमें जो आपके ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से दो समुदायों को शामिल किया जाएगा, एक है आपका सीपिया और दूसरा है आपका झारिया। देखिए, ये जो आपके सीपिया और झारिया महार जो आपका समुदाय है, ये मुख्य रूप से निवास करती है आपके बिलासपुर, कवर्धा और राजनांदगांव जिले में, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश, मैकाल पर्वत श्रेणी के जो आसपास जो मौजूद आपके जिले हैं, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, इसके अलावा मुंगेली भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में निवास करती है सीपिया झारा महार समुदाय। इनका मुख्य रूप से व्यवसाय है आपका रुई धुनना, रजाई और गद्दे बनाना, यानी कि रुई पे आधारित आपका कार्य है, रुई धुनना, ठीक, रजाई बनाना, गद्दे बनाना इनका मुख्य व्यवसाय है। इस अगर ये सीपिया और झारिया समुदाय इस ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत शामिल होते हैं तो इससे 15,000 लोगों को जो है लाभ मिलेगा। एक्चुअली में ये ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इनके मात्राओं में जो है, इनका जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, इनके अलग अलग जो आपकी जाति है उसके प्रोनाउंसिएशन में मात्रात्मक त्रुटि पाई गई, जिसके कारण ये जो दो समुदाय है इन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। ठीक है,
तो इस कारण से इस झारिया और आपका सीपिया महार समुदाय को जो है शामिल किया जाएगा ओबीसी आरक्षण में। विशेष बात यह है कि अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी के अंतर्गत टोटल 95 जातियां, ठीक है, 95 जातियां शामिल है ओबीसी के अंतर्गत वर्तमान में, ठीक है, इन दो को छोड़ के। ठीक, अब देखिए, अब कुछ विविध पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, लास्ट जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो आया था पूरा डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। भूमिहीन कृषि किसे कहा जाता है कि ऐसे वर्ग जो कृषि कार्य में तो संलग्न है लेकिन उनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है, यानी कि जैसे कि आप वर्ड सुने होंगे अध्या, कि किसानों को जो है आपके कुछ मजदूर ऐसे रहते हैं, यानी कृषि कार्य में संलग्न मजदूर ऐसे रहते हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है लेकिन किसी दूसरा व्यक्ति जिसके पास कृषि भूमि है उसके खेत में कृषि कार्य करते हैं, ठीक है, कृषि कार्य दूसरे की भूमि में करके अपना जो है रोजी निकालते हैं। तो ऐसे जो आपके मजदूर है, जो कृषि कार्य में संलग्न मजदूर है जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है लेकिन कृषि कार्य में संलग्न है, उन्हें प्रदेश सरकार जो है सालाना 6,000 रुपए देगी। अब इस योजना का जो शुभारंभ है यह किया जाएगा आपकी देवउठनी के दिन, देवउठनी यानी कि दीपावली के बाद जो तुलसी विवाह आता है उसे ही छत्तीसगढ़ में कहा जाता है आपका देवउठनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देवउठनी के दिन। और इसी समय जो है आपके राजीव गांधी जी की आपकी जन्म जयंती है, ठीक है, जन्म जयंती के अवसर पर ही इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैताल रानी घाटी, इंपॉर्टेंट है, ऐसे पर्यटन क्षेत्र से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। बैताल रानी घाटी जो है ये मौजूद है आपके छुई खदान राजनांदगांव जिले में, केवल याद रखना बैताल रानी घाटी छुई खदान राजनांदगांव। नेक्स्ट है पूना नारकोम अभियान, ये पूना नारकोम अभियान है ये आपके सुकमा जिले में पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान है, ठीक है, सुकमा पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है एक अभियान है। एक्चुअली ये एक जागरूकता अभियान है जो सुकमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को आपका मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य सुविधा, आपके एक स्वास्थ्य अभियान है, उन्हें मेडिकल कैंप के माध्यम से उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही है, ये है आपका पूना नारकोम अभियान। शहरी वन संसाधन मान्यता पत्र, देखिए वन संसाधन यानी कि वनों के दोहन, एक मात्रा तक वनों के दोहन करने का अधिकार देना। अभी तक फिलहाल जो है ये वन संसाधन मान्यता पत्र केवल ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाता था लेकिन पहली बार ये दिया जा रहा है शहरी क्षेत्र को, किस जिले में, धमतरी जिले में, और धमतरी जिला शहरी क्षेत्र को वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बना है, ठीक है। वन संसाधन यानी कि वनों का जो है दोहन करने के लिए एक लिमिट, ठीक है, एक सीमा तक दोहन करने के लिए अधिकार दिया जाता है, ये कहा जाता है वन संसाधन मान्यता पत्र, लेकिन ये दिया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों को, लेकिन पहली बार धमतरी में जो है शहरी क्षेत्रों को वितरित किया गया वन संसाधन मान्यता पत्र, जिसके बाद धमतरी जिला देश का पहला जिला बन गया है जो शहरी क्षेत्रों को वन संसाधन मान्यता पत्र वितरित कर रहा है। उसके बाद है मिनी रत्न फेरो स्क्रैप निगम, देखिए ये जो आपके फेरो स्क्रैप निगम जो है ये भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। ये फेरो स्क्रैप निगम क्या है, स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। देखिए जहां जहां पर आपके सेल के संयंत्र मौजूद है, सेल के संयंत्र यानी कि हमारे भिलाई में भी मौजूद है आपका भिलाई स्टील प्लांट, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जहां जहां पर आपके यूनिट मौजूद है तो उस सेल के आपके संयंत्र के साथ साथ वहीं पर स्थापित किया जाता है आपके फेरो स्क्रैप निगम। ये फेरो स्क्रैप निगम क्या होता है, जो लोहे से निकलने वाली जो अशुद्धियां है, जो कचरा है, उसको जो है आपका प्रोडक्ट बना करके या डायरेक्टली उसे सेल किया जाता है, बेचा किया जाता है फेरो स्क्रैप निगम के माध्यम से, ठीक है। ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया, क्योंकि चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि सरकार जो है इसका नीलाम कर रही है, ठीक है, इसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसलिए चर्चा में आया। तो हमारे प्रदेश में जो है फेरो स्क्रैप निगम का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाए तो ये मौजूद है भिलाई में, और जहां जहां पर आपके सेल के संयंत्र मौजूद होंगे उसी स्थान पर फेरो स्क्रैप निगम का मुख्यालय भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला रोबोलैब यानी कि रोबोटिक्स से संबंधित रोबोलैब बनाया जा रहा है आपके अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर में प्रदेश का पहला रोबो लैब यानी कि रोबोटिक्स से संबंधित रिसर्च के लिए लैब बनाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टूरिस्ट पुलिस, देखिए टूरिस्ट पुलिस ये शुरुआत की गई है आपके गरियाबंद जिले में पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार का आपका परेशानी ना हो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने
कराने के लिए गरियाबंद क्षेत्र के पुलिस के द्वारा आपके टूरिस्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट लाया गया है, उनका एक पर्टिकुलर टी शर्ट भी बनाया गया है, और जितने भी आपके पर्यटन क्षेत्र है जहां पे आपके झरने हैं या कोई घाटी है उन सभी क्षेत्रों में आपके ये पुलिस तैनात किए जा रहे हैं टूरिस्ट पुलिस के नाम से। तो हमारे प्रदेश में टूरिस्ट पुलिस की शुरुआत कहां पे हुई ये पूछा जाए तो गरियाबंद जिले में, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखना है। रहने के लिए तो बहुत सारे करंट अफेयर है लेकिन उसमें चुन करके कुछ इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट करके मैं बताता हूं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी अगर एक्स्ट्रा करंट अफेयर आपको जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जिसमें भी हाल ही में हमने 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें आकर के आप ऐड हो सकते हैं जिसमें डेली बेसिस पे आपके नए नए करंट अफेयर अपलोड किए जाते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर।